हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज का नॉर्मल व्लॉग नहीं है। आज बस ऐसे ही कुछ हमारे एक्सपीरियंस हुआ था अभी कल परसों में, तो हम लोग उससे काफ़ी डिस्टर्ब भी थे, तो हमारा मन कर रहा था कि हम आप लोगों के साथ में शेयर करें कि क्या मतलब हुआ है हमारे साथ में। आदि के स्कूल हम गए थे तो आदि का थोड़ा तबीयत खराब थी, इसकी तबीयत क्या खराब थी मतलब इसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था हल्का फुल्का सा, तो जो हमें लग रहा है काफ़ी टाइम से जब से वो स्कूल जाने लग रहा है और स्कूल का खाना खाता है क्योंकि स्कूल में खाना मिलता है उसको, तो और वो स्कूल चूज भी इसलिए किया था कि वहाँ पे खाना इसलिए चूज किया था। अब संभव उसको हमें ऐसा लग रहा है कि वो खाना ना सूट नहीं कर रहा वहाँ का, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाते, हमारे घर में मैक्सिमम टाइम घर का ही खाना बनता है। तो अब उसके पेट में थोड़ा सा हल्का सा दर्द सा हो रहा था, तो मुझे लगा कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, फिर अगले दिन उसको स्कूल भेज दिया, इसने फिर स्कूल का खाना खाया तो फिर उसको ठीक होने में 4 दिन लगे। अब इस बार मुझे लगा कि क्यों रिस्क लेना फालतू में, जब हमें दिख रहा है सेम सिचुएशन है तो इसका एग्जाम है तो छोड़ देते हैं एग्जाम, लेकिन आदि है कि वो सुपर सेंसिटिव है अपनी पढ़ाई को लेकर। हाँ, उसको था कि नहीं मुझे एग्जाम तो देना ही है, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है और मैं एग्जाम नहीं दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हमने सोल्यूशन निकाला, हमने सोचा, और ये सुबह सुबह की बात है, मतलब सुबह उसको जाना था स्कूल और हम सोचे थे कि वो नहीं जाए, अपने आप रहता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि सुबह जब ये बोलने लगा कि नहीं नहीं मुझे तो जाना ही है, स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो हमने फिर डिसाइड किया कि ठीक है हम इसको साथ में लेके जाते हैं, इसको एग्जाम दिला के हम घर ले आएंगे, ये वहां कुछ नहीं खाएगा, घर का खाना खाएगा। तो फेयर इनफ, सब चीजें सब सही लग रही थी, हमें लग रहा था कि हम तो सही कर रहे हैं। हम स्कूल चले गए, पहले तो स्कूल में क्या हुआ कि सुबह जब हम स्कूल पहुंचे तो वहां पे बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, बहुत ही मतलब हॉचपॉच सा हो रहा था सारा, तो सिक्योरिटी ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया, उसने बोला कि आप नहीं जा सकते। तो हमने सिक्योरिटी को बोला कि हमारा बच्चे का तबियत थोड़ा सा पेट में उसके दर्द सा हो रहा है, और एक तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो सबको ऐसा लगता है कि बस पता नहीं शायद कोरोना ही है, तो इनको तो आ रही है पेट दर्द में कुछ भी, और वो भी हल्का हो रहा था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो हमने बोला कि वो बस एग्जाम देने के लिए आया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अभी नहीं जा सकते अंदर, आप आ जाना जब एग्जाम खत्म होगा तब आ जाना। तो हमें लगा कि ठीक है अभी यहाँ पर अननेसेसरी इनका भी मैनेजमेंट क्यों डिस्टर्ब करना, और हम लोग बाहर चले गए। बाहर गए हमने, वहां पर बैठ के इसने अरविंद ने चाय वाय पी, इसको काम करना था, थोड़ा सा काम किया, और 9:30 उसका एग्जाम खत्म हो जाता है। हम 9:30 वहां पर आए, तो वहां पर आने के बाद हमने बोला कि हमें आदि को पिक करना है, तो उसके बाद से तो इनके इशू शुरू हो गए, ये सारे के सारे बैठ के, वो क्या नाम है कोऑर्डिनेटर रखा है बीच में मिडिल लेक, जो स्टाफ है बहुत ही यूजलेस स्टाफ, वो ठीक है बट कोऑर्डिनेटर्स तो वही टीचर्स अच्छे हैं। तो वो जो एक कोऑर्डिनेटर पहले थी जिन्होंने बोला, वो बोलती कि यू कुड हैव सेंड अ मेल, आपने मेल नहीं भेजा, तो अरविंद ने बोला भाई सुबह 6:30 बजे 7 बजे के आसपास की बात है, बच्चे के पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, हम उस टाइम पे प्रायोरिटी में ये देखते कि इसको एग्जाम दिलाने ले जाएं या फिर मेल भेजें, नहीं नहीं ये तो प्रोसीजर है, हमारे प्रोटोकॉल है, यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल और ये वो। और इतना फीस हम देते हैं इन स्कूल में, मतलब मुझे नहीं पता कि गुड़गांव वाले लोगों को तो समझ में आता होगा जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता कि उनको पता भी नहीं होगा कि इनकी फीस लाखों में जाती है, ऐसा भी नहीं। हाँ, किस लेवल की फीस है, इतना ज्यादा हम पैसे देते हैं और उसके बाद इस तरीके का उनका मैनेजमेंट। फिर एक टीचर आ गई, आदि की एक टीचर आई, वो कहती है कि नहीं आदि से मेरी बात हुई, आदि तो परफेक्टली फाइन है, उसकी कोई तबीयत ठीक खराब नहीं लग रही है हमें, और अगर कुछ गड़बड़ लगेगी तो हम आपको बुला लेंगे, अभी हम उसको नहीं भेज सकते। अरे भाई हमारा बच्चा है, हम पेरेंट्स हैं, हम लेने के लिए आए और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम नहीं भेज सकते। उसके बाद फिर तीसरी एक और मैडम आती है, वो भी कोऑर्डिनेटर मैडम, वो कोऑर्डिनेटर मैडम आती है, वो कोऑर्डिनेटर मैडम तो और नेक्स्ट लेवल की रूडनेस की तो हद है उनकी, मतलब मुझे नहीं पता कि उनको रखा क्यों है वहां पे। वो आके वो हमें बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, यू कुड हैव सेंड अ मेल एंड देन परमिशन लेनी चाहिए थी, अगर बच्चे की तबीयत खराब नहीं थी तो आप उसको नहीं लाते, बच्चे को अननेसेसरी प्रेशर। अरे हम बोल रहे हैं कि भाई बच्चे को प्रेशर तब होता जब एग्जाम देने नहीं आता, तब उसकी तबीयत पक्का खराब हो जाती, उसकी तबीयत पक्का एक सोच सोच के खराब हो जाती कि मैंने एग्जाम नहीं दिया है। तो हमने बोला कि हमें पता है हमारे बच्चे के बारे में और ऐसा उसको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो प्रॉब्लम बढ़े, रिस्क नहीं लेना है हमें, खाएगा घर में रहेगा ठीक रहेगा सही रहेगा बेटर रहेगा। तो फिर वो कोऑर्डिनेटर मैम फिर गुस्सा एकदम बिल्कुल हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया वहां पर, अरविंद को भी गुस्सा आ गया, फिर वो बोल रही, अरविंद ने बोला अभी इन दैट केस वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव टू चेंज द स्कूल, हम क्या कर सकते हैं, और वो भी बोल रही अच्छा ठीक है ओके। तो इन लोगों को पता है इतना पैसा जो इन्होंने एडवांस में ले लेते हैं स्कूल ज्वाइनिंग के टाइम पे, जाएंगे तो नए स्कूल में पैसे देंगे, कहाँ जाएगा वो, बाकी कितनी बार पैसा देते रहेंगे, और बाकी दूसरे स्कूल में भी ऐसे ही कोऑर्डिनेटर्स मिल रहे हैं, आईआईटी से तो आएगा नहीं होगा कोऑर्डिनेटर या एम्स का डॉक्टर आ जाएगा, वो पैसा तो है कुछ भी नहीं है सब, और ऐसा लगता है बेसिकली वो कॉमन सेंस तो बिल्कुल यूज करते ही नहीं है वो लोग, हमें नहीं पता फकीर के फकीर हो गए,
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, और स्टेट्स में पता नहीं क्या होता है, लेकिन गुड़गांव में क्या करते हैं ये लोग, अभी जैसे सपोज आदि अभी सिक्स में है, हमें इन बिटवीन अगर उसका स्कूल चेंज करना है तो हर बार जितनी बार हम स्कूल चेंज करेंगे हमें उतनी एडमिशन फी देनी पड़ेगी उस स्कूल में, और ये जो यहाँ दिया हुआ ये हमें रिफंड नहीं होगा, ये इनको दे दिया बीच में छोड़ेंगे तो वो भी नहीं देंगे हमें, उसके लिए हमें पूरा सेशन कम्प्लीट करेंगे तो शायद हमें 20-30 हजार रुपए कुछ वापस मिलेंगे, अदरवाइज सारा पैसा ऐसे ही गया। तो इनको भी पता है कि पेरेंट्स का पैसा सब फसा पड़ा है यहाँ पे, हाँ तो कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद मिसबिहेव करते रहो। तो क्या हुआ हमारा ना मतलब बड़ा ही मूड खराब हो गया, फिर कल भी हम सारा इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि आदि के स्कूलिंग का बच्चे को इतने मतलब भेजो, इतना कुछ सीख भी नहीं रहा बच्चा अलग से, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम दोनों वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, हमारे घर में सब लोग वेल एजुकेटेड हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, और मैंने तो थोड़ी कहीं इधर उधर से कहीं से हमने पढ़ रखा है, हम भी ठीक ठाक स्कूलों से पढ़ के आए हैं तो हम कर ले रहे हैं चीजें, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब कुछ कुछ इश्यूज हैं जो आजकल के बच्चों के साथ में होती हैं थोड़ा बहुत, कि भाई गर्मी लग जाती है, ये इशू है वो इशू है, यहाँ पर ये सारे फायदे हैं कि एयर कंडीशन बस है, एयर कंडीशन स्कूल है, और बच्चे जो आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा जेंट्री बच्चों की सही रहती है, आदि कम्फर्टेबल रहता है, अच्छा होता है, आदि कम्फर्टेबल रहता है, फैमिली के बच्चे आते हैं अच्छे पढ़े लिखे, हाँ वो एक एडवांटेज होता है, थोड़ा कम्फर्ट रहता है, कम्फर्ट रहता है, उसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं वहाँ भेजने का। तो कल हम यही सब डिस्कशन हो रखा है, आदि का भी थोड़ा सा पेट का हल्का हल्का तो हो ही रहता है, हालांकि ठीक है उसका, अच्छा किया हमने वो डिसीजन ले लिया, हम घर पे ही थे तो उसने तो और बढ़ता होने का फर्क तो होता ही है, स्कूल का खाना कैसा भी हो वही हुई, थोड़ा बहुत इशू तो होता ही है। तो फिर हमें लगा कि हमें यार, पहले हम सोच रहे थे कि हमें ना ये चीज शेयर नहीं करनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, फिर हमें लगा कि यार हमारे जैसे और भी पेरेंट्स हो सकते हैं ना, लोगों को इश्यूज हो सकते हैं, तो गेट सम व्यूज, हाँ हमें थोड़ा आइडिया लगेगा, हमें पता चलेगा कि क्या सोचते हैं, क्या हम ही गलत सोच रहे हैं या क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो ठीक कहते थे कि भाई कोई बात नहीं, जब तक बच्चे की तबीयत अच्छे से खराब नहीं होती तब तक तो वही रखो, बिगड़ने दो उसके बाद ले जाना। तो बस यही था, ये हमें लगा कि शेयर करना चाहिए, तो आज यही हमारा ब्लॉग है यही वाला, और आप इसको प्लीज देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा अगर कोई शेयर कर सकते हैं तो यहाँ गुड़गांव के पब्लिक स्कूलों में तो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दुखी हैं इस बात को, फी को लेके, तो यहाँ पर एवरी अदर पेरेंट इज अनहैप्पी, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है इस चीज में कि भाई इतने पैसे लेते हैं ये लोग, इतना मतलब कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए इन लोगों के ऊपर, एटलीस्ट तो एडवांस फीस और ये सब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हमारे पास ये ऑप्शन तो किसी होटल में हम जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा हम दूसरे होटल में तो जा सकते हैं, बट ये मतलब यहाँ तो एक बार घुस गए तो भाई अपनी मर्जी से आए हो, अब जा तो हमारी मर्जी से सकते हो, मतलब वो हाल है। तो ये सब रहा, तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस यही सब, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।